Hello everyone, this is me, Sadia here. मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे और साथ में ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आप के साथ मैच करते हैं, आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं वो आपको, आपके बारे में। लेट्स बिगिन। वाओ, आप में से सबसे पहले वो लोग जो कि कम्प्लीटली सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, आपके लिए डेफिनेटली एक मिरेक्युलस ब्लेसिंग की तरह कम्युनिकेशन आने वाली है पर्सन की तरफ से। इवन अगर आप सिंगल भी हो तो भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो कि आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो तब भी मुझे लगता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ, जैसे होता ना कि थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स चलना या सैडनेस रहना कनेक्शन में, किसी भी तरह से डिसअपॉइंटमेंट्स रहना, मुझे लगता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ दैट एक सडन चेंज आपकी ज़िंदगी में आप अपने पर्सन के साथ देख सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है और चीज़ों को इस तरह सोच रहा है जहाँ पर इसको लग रहा है कि इसको अपना फ्यूचर आपके साथ बनाना है, इसको अपना फ्यूचर आपके साथ देखना है। सो कहीं ना कहीं वो एक कंफर्मेशन इस इंसान को अपने दिल में आपको लेकर आ रही है कि यू आर द वन जिसके साथ ये रहना चाहेगा। अब आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ने यहाँ वहाँ इधर उधर कोशिश की हो मूव ऑन करने की, यहाँ वहाँ कोशिश की हो कि कोई और अच्छा मैच ढूंढ ले अगर वो प्रपोजल देख रहा था या देख रही थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ इसको रियलाइज़ करवा रही है कि कोई भी कंपेयर नहीं कर किसी के साथ भी वो आपको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देर इज़ नो अदर पर्सन जिसको वो सोचें कि आपके कंपेरिजन में आ भी सकता है, चाहे वो गुड लुक्स के मामले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे वो जो आपने इस इंसान को वैल्यू और वर्थ दिया उस मामले में हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि पर्सन उन चीज़ों को लेकर आपके बारे में सोच रहा है। आप में से कुछ लोग जो सिंगल है राइट नाउ, मुझे लगता है कि उनके लिए भी हो सकता है कि पर्सन आपके किसी जान पहचान वाले के थ्रू आपके बारे में इसने आपकी पिक्चर देखी हो या आपके बारे में सोचा हो और ये सोच रहा है कि वाई डोंट दे परसू यू। सो कहीं ना कहीं आप में से वो लोग जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन ने आपके बारे में सोचा और आपकी तरफ एक्शन लेने का सोचते हुए चाह रहा है कि कनेक्शन ये आपके साथ आगे लेकर जाए। सो वो लोग जो कि रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है क्योंकि चांसेस हैं कि आपकी इस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए। पर्सन प्लान कर रहा है कुछ ऐसा, इवन दो येस देर हैज़ बीन अ पैच आप दोनों का जो कि पॉजिटिव नहीं था, जहाँ पर शायद आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गिव अप कर दिया था, लेकिन कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी शाम नहीं हुई जहाँ पे आपने एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा हो। सो उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। शायद अगर आपने सोचना छोड़ भी दिया था तो पर्सन के एंड से दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, चाहे आप एक दूसरे के ख्वाब में आ रहे थे या एक दूसरे के यू नो थॉट्स में रह रहे थे, स्पेशली रात के टाइम पे। मुझे लगता है कि देर हैज़ बीन अ यू नो गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन जो कि आपका पर्सन आपके आपके कनेक्शन को दे रहा था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हैज़ बीन देयर इन देयर माइंड और इन देयर हेड, तो वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि एक्शन लिया जाएगा इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी नहीं था टू हैव अ रिलेशनशिप दैट लीड्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स शादी, मुझे लगता है कि वो चीज़ बनते यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, एक और चीज़ आपकी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जो पर्सन हो ये अपनी ये बहुत ज़्यादा जेम्स और स्टोन्स में बिलीव रखता हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा ये पर्सन हो और ये हर चीज़ में कैलकुलेटिव मूव रखते हैं जो भी ये पर्सन है। तो हो सकता है कि अपनी इस इंडेक्स फिंगर में इन्होंने कोई स्टोन पहना हो, और अगर ऐसा आपका पर्सन है तो डेफिनेटली ये वाला पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है वो या तो वापस आ रहा है या फिर आपको कमिटमेंट ऑफर करने वाला है, या फिर मुझे लगता है कि समहाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है,
जो भी ये काम करते हैं उसमें इनकी या तो बहुत ज़्यादा ऑथराइज्ड एक पर्सनल है ये पर्सन, जहाँ पर इसके हाथ में काफ़ी कुछ कंट्रोल है सिचुएशंस का. सो उस तरह का इंसान भी हो सकता है आपका पर्सन, लेकिन फाइनेंशली सीम्स टू बी वेरी स्ट्रांग एंड स्टेबल. व्हेन इट कम्स टू इमोशनल साइड ऑफ दिस पर्सन, इमोशनल साइड ऑफ दिस पर्सन, मुझे लगता है कि पर्सन राइट नाउ डेफिनेटली जो है वो सिंगल है. इसकी ज़िंदगी में राइट नाउ कोई और इंसान नहीं है. अगर आप में से वो लोग जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये पर्सन वो नहीं है, जहाँ पर आपको पता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है या कुछ सीन ऐसा उसकी ज़िंदगी में चल रहा है. इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा कोई सीन नहीं है. सो ये पर्सन आपका पर्सन नहीं है. अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि शादीशुदा है या इंगेजमेंट शुदा है, ये पर्सन वो नहीं है. ये जो पर्सन है ये कम्प्लीटली सिंगल है. इसकी ज़िंदगी में राइट नाउ कोई भी इंसान इन अ लविंग रिलेशनशिप जो है वो नहीं है. ये पर्सन शायद पहले रेडी भी नहीं था और अब ये रेडी हो रहा है इन सब के लिए और वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कभी मैरिड हो, लेकिन अभी एटलीस्ट ये काफ़ी टाइम से सिंगल है. हो सकता है कि ये फॉर वट एवर रीज़न डाइवोर्स हो चुका हो सकता है, फॉर वट एवर रीज़न ये भी हो सकता है कि स्पाउस की डेथ हो चुकी हो, उस तरह के चांसेस हैं. बट ये पर्सन किसी के साथ नहीं है राइट नाउ. बट ये पर्सन जो है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली चाह रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ें. तो कम्युनिकेशन जो है आ सकती है. आप में से हो सकता है कि ये आपका ऐसा एक्स हो जिसने किसी और को चूज़ किया और नाउ दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू. बट अगेन हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप चला हो, ख़त्म हो गया हो, वो भी चांसेस हैं. बट फिलहाल ये सिंगल है, इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है. बट येस, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू. और अगर आपके लिए न्यू पर्सन है तब भी ये पर्सन शादी कमिटमेंट के लिए अभी रेडी है, तो इसलिए ये आपकी तरफ एक्शन लेगा आने वाले दिनों में. लेकिन अगर ये ये ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि आपका टाइम वेस्ट करेगा आकर, लेट्स सी के क्या फीलिंग्स होंगी इस इंसान की आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं. डेथ, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोल्स, 3 ऑफ सोल्स, 10 ऑफ सोल्स. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन तो बिल्कुल नया पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, तब भी इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ हो सकता है इन द पास जिसकी वजह से ये लव और रिलेशनशिप से अपने आप को दूर रख रहे थे और अब इनको लगता है कि यू कुड मेक द परफेक्ट पार्टनर, तो इसलिए वो आपको परसू करेंगे. एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आपका इस इंसान के साथ कोई पास्ट रहा है, तो ये पर्सन अपने जो भी आप दोनों के दरम्यान में इशूज़ थे, कंसर्न्स थे, जो कि जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए थे, ये उन सबको दूर करके आपके पास, आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहेगा. सो कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक पास्ट पर्सन भी हो सकता है. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि करंट पर्सन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये करंट पर्सन है तो ये सिंगल नहीं हो सकता. और अगर ये करंट पर्सन सिर्फ उसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पे आपकी तरफ से वन साइडेड रिलेशनशिप हो, तो करंट पर्सन के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं. मुझे लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका, या तो आप उसके एक्स हो राइट नाउ, या फिर अगर आप करंट पर्सन के साथ हैप्पी हो तो ये पर्सन वो नहीं होगा. अगर आप करंट पर्सन के साथ इश्यूज चल रहे थे काफ़ी टाइम से, जहाँ पर वन साइड सिचुएशन ज़्यादा थी, तब ये चांसेस हैं कि ये करंट पर्सन हो सकता है. बट जो भी है, इस पे बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग रही है इस इंसान के एंड पे भी, कनेक्शन को लेकर या लव लाइफ को लेकर. तो मुझे लगता है कि अब ये सब कुछ खत्म करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि यू आर द परफेक्ट वन फॉर देम. अंडर द डेक हमारे पास है डेवल का कार्ड. मुझे लगता है कि आपके साथ जो इसका कनेक्शन होगा बहुत ही सॉलिड, स्ट्रांग और बहुत ही पैशनेट होगा. ये पर्सन काफी टाइम से सिंगल था और है, और जब भी किसी रिलेशनशिप में आएगा तो ये पर्सन अपना 100 से ज़्यादा% जो है इस रिलेशनशिप को देगा. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी मोर देन अ लविंग हस्बैंड वाइफ, कमिटेड हस्बैंड वाइफ, बल्कि ये बहुत ज़्यादा एक एक होता है ना कि आप अपनी जान लड़ा देते हो एक कनेक्शन के लिए, किसी पर्सन के लिए, कि उस तरह का पर्सन होगा आपके साथ इस कनेक्शन में. सो इट सीम्स लाइक कि ऐसे ही रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ आने वाला है, चाहे ये न्यू पर्सन है, चाहे ये पास्ट पर्सन है. लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए, चाहे न्यू पर्सन है चाहे पास्ट पर्सन है. लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं इसके आपके लिए, उससे भी थोड़ा हमें आइडिया होगा कि न्यू पर्सन है, करंट है, कि कौन सा पर्सन है, पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है. लेट्स सी कि मैसेज क्या है इसके आपके लिए, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए. क्या मैसेज है इसका आपके लिए, क्या मैसेज है इसका आपके लिए. कि इस टेक्स्ट से मैसेज नहीं आ रहा, लेट्स टेक द अदर वन.
क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए? इसके बाद मैं और डेक यूज नहीं करूंगी. अगर नहीं आएगा मैसेज, दैट मीन्स कि देर इज नथिंग राइट नाउ जो कि आपसे कहना चाहें या रिवील करना चाहें. और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये डायरेक्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ और सब कुछ यू नो ओपनली एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड है. तो कम्युनिकेशन ओपन और क्लियर होगी इस इंसान की तरफ से. विद द एम्परर एनर्जी टू, एक पर्सन कभी भी झूठ या फिर हिडन वे में कुछ रिवील नहीं करना चाहेगा, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहेगा. पास्ट को पास्ट में छोड़कर कुछ नया चैप्टर शुरू होने के चांसेस हैं इस इंसान के साथ, जो भी ये पर्सन है. सो आई लव यू मोर देन आई एवर लव्ड एनीवन इन माय लाइफ. सो डेफिनेटली पास्ट में कुछ हर्ट हुआ होगा ये पर्सन, और इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा प्यार, ऐसी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स ऐसी किसी के साथ नहीं रखी जैसे आपके साथ ये फील करता है. तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया पर्सन हो जो कि जब आपसे मिलेगा तो इसको एक अलग किस्म का कनेक्शन आपके साथ फील होगा, और दैट्स गन मेक दिस पर्सन टेक एक्शन. हो सकता है कि पर्सन कभी भी रेडी नहीं था टू गेट मैरिड, टू बी इन अ रिलेशनशिप, लेकिन जब ये आपसे मिला या जब आप इसकी ज़िंदगी में पार्ट बने हो तो ये पर्सन आपके बारे में इस तरह से सोच रहा है. या ये भी चांसेस हैं कि अगर पास पर्सन है उसको, लाइक आई सेड अर्लियर, कि हो सकता है कि इसने किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश की हो, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि आप जैसी फीलिंग इसको कोई और नहीं दे सकता था, और अब ये इस जगह पर है जहां पर इसको अपनी जिंदगी में एक स्पाउस चाहिए. सो आपको कंसिडर कर सकता है. सो ये था मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. दो कार्ड्स हैं हमारे पास. पहला कार्ड है, वाओ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. पहली चीज जो है वो ये है कि यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. जब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है. जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे होगे, दैट्स गोना बी द मोमेंट जब ये पर्सन आपके बारे में उस तरह से फील करेगा जो कि ये फील कर रहा है और ओपन अप कर रहा है. हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर. मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जब ये कम्युनिकेशन हो रही है, जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कमिटमेंट लेकर आ रहा है, तो इट्स गोना बी वेरी क्विक, जैसे शादी फौरन हो जाएगी ओपन कम्युनिकेशन के साथ और इस फीलिंग के साथ, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा यू नो प्यार करना, इसका इसको फील होना या एक्सेप्ट करना इस फीलिंग को कि यस दे लव यू, और ये रियलाइज़ करते हुए आपकी तरफ एक्शन लेना कि आप इनके पर्सनल यू नो आपके इनकी आप इनकी लाइफ के द वन एंड ओनली पर्सन हो सकते हो. उस रियलाइजेशन के बाद ये आपसे शादी करना चूज़ करेंगे और आपके साथ ट्रैवल करना चूज़ करेंगे, रादर देन के वेस्टिंग टाइम. मुझे लगता है कि पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा, और स्पेशली अगर आप आने वाले दिनों में कोई भी हनी भी देखते हो, इट्स अ साइन कि आपका पर्सन जो है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा. जो भी ये पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा. दूसरा ये कि इमोशनली अवेलेबल होगा और इसीलिए शादी करना चूज़ करेगा रादर देन हैविंग रिलेशनशिप with you. So yeah, ये reading आप लोगों की, अगर आपको help किया हो, guide किया हो, तो like, share, subscribe जरूर करो. Till I do the next reading आप लोगों के लिए, take care and bye.